अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 1, 6 और 9 को लेकर स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम किस डेट में होगा। असल में हुआ ये था कि इनका जो फॉर्म फिल करने का जो डेट था वो एक्सटेंड हो गया था। आज मैं वो बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए और कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सारा वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप अगर वेबसाइट पर जाएँ और आपको वहाँ ना मिले। इससे पहले कि आपको मैं डेट दिखा दूँ कि किस किस डेट में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जस्ट जो प्रोसेस मैंने भी किया, बस सिंपली गूगल पर जाकर सर्च कर लेना है एमयू कंट्रोल एग्जाम, उसके बाद फिर एडमिशन वाले सेक्शन पे जाना है। एंड उसके बाद जैसे ही जब इस वाले सेक्शन पे जाएंगे तो इसमें भी यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको स्कूल एडमिशन पे जाना है। और जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा, और अब जब ये जैसे ही न्यू इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे आपको ये जो गाइड दिख रहा है, गाइड एडमिशन 2021-22, तो इस पर क्लिक करना है। असल में इसमें डेट मेंशन है कि किस डेट में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये रहा आपका गाइड 21-22 का, यानी कि ये जो करंट में जो आपका एग्ज़ाम जो होंगे वो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, क्योंकि ये जो पीडीएफ काफ़ी बड़ा नहीं है, मतलब छोटा ही कह सकते हैं। तो वो आपको स्क्रॉल करते हुए मैं आपको डायरेक्ट डेट पे दिखा रहा हूँ, आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं। हाँ, इन केस अगर बाय द वे डेट एक्सटेंड होता है तो मतलब वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ही। वही अगर हम क्लास 1 की बात कर ले, एंट्रेंस एग्ज़ाम का किस डेट में होगा, तो उनका देख सकते हैं आप हल्का सा स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पे आपको हर का टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा। तो ये यानी कि 4 तारीख को है और 3 PM पे 2 आवर्स का ये इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 4 अप्रैल में। इस तरीके से अगर 6 का देखें तो उनका भी मेंशन है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आए तो दिख जाएगा आपको। यहाँ पे इनका भी सेम डेट में ही यानी 4 अप्रैल में ही है, और इनका 10 AM पे मेंशन है। एंड उसके बाद रिजल्ट का डेट भी मेंशन है। और इस तरीके से क्लास 9 का देख ले तो क्लास 9 का भी जो है स्क्रॉल करते हुए नीचे आए, और थोड़ा सा ये यहाँ पे इनका 11 अप्रैल को है। अब ये थोड़ा ये है कि स्टूडेंट्स अभी भी परेशान है कि हमारा डेट एक्सटेंड हो गया क्या। करंट में बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ कि डेट कोई एक्सटेंड नहीं हुआ है। इन केस अगर होता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर हम कह दें कि हाँ भाई डेट एक्सटेंड हो गया है, तो ये आप बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए। और आप ये कैसे, क्योंकि कन्फ्यूजन कब पैदा हो गया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप क्या करें, फिर से मैं बैक होकर आपके ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी पे ही मैं रिटर्न आ रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे रिटर्न आएंगे तो उसके बाद होम वाले सेक्शन जो यहाँ पे होम का जो सेक्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो शो कर रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे आना है। देखिए राइट हैंड पे आपको नोटिस एंड अपडेट्स का सेक्शन दिखेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाला स्क्रॉल करते हुए जो मोर का जो सेक्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दें। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट में और करंट में जो भी अपडेट्स आए हैं, मतलब लास्ट का 1-2 महीना पहले तक में जो भी अपडेट्स आए हैं आपके, खासकर क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर देखा जाए तो स्क्रॉल करते हुए देखेंगे तो यहाँ पे वैसा कुछ अभी मेंशन नहीं है, मतलब कि 18 मार्च तक वैसा कुछ भी मेंशन नहीं है। इसमें जो भी जो काउंसलिंग हुआ है, यानी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं 20-21 में जिनका एडमिशन होने वाला है अभी, तो उनके लिए भले अपडेट आया था, पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो अपडेट आया है खासकर आप लोगों के लिए वो 6 मार्च को आया है। और इसमें सिंपली यही कहा गया था कि आपका जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया है फॉर्म फिल करने का, वो भी हम अभी सामने ओपन करके दिखा रही है। जैसे देखिए अब ओपन हो गया ये, और अभी से जब ओपन करेंगे इसमें सिंपली यही कहा गया कि भाई लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गया। और उसमें सिंपली यही 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग, क्योंकि पहले जो था 24 मार्च था, पर अब जो वो एक्सटेंड होकर 31 मार्च हो गया है, और करेक्शन करने का जो डेट है वो 2 दिनों का मिला है, मतलब 2 अप्रैल से 4 अप्रैल का। पर अभी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब 4 अप्रैल तक अब करेक्शन होगा तो फिर इनका एग्ज़ाम्स किस डेट में हो, क्योंकि 4 तारीख में भी 2 पेपर हैं और एक 11 तारीख में है। तो करंट सीन के अकॉर्डिंग कोई डेट एक्सटेंड नहीं है, वैसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। कुछ भी अगर होता है तो आपको पता चल जाएगा, पर अभी के हिसाब से ये मान के चलिए कि आपका जिन जिन स्टूडेंट्स का यानी 1 और 9 का जो 4 तारीख को होना है वो 4 तारीख को हो, 1 और 6 का जो 4 तारीख को होना था वो 4 तारीख को मानकर चले, और जिनका 11 तारीख को है वो 11 तारीख को मानकर चले, उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें। जैसे अगर इन केस, वैसे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन हो सकता है चेंज भी हो, क्योंकि जो आप मतलब करेक्शन का जो डेट है वो 4 अप्रैल कर दिया गया, तो हो सकता है कि आपका फॉर्म यानी एंट्रेंस एग्जाम जो है 169 का एक्सटेंड हो। पर एक्सटेंड भी होगा ना तो ये याद रखें कि ज़्यादा एक्सटेंड नहीं है। इन केस अगर एक्सटेंड होता भी है तो ज़्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि 14 अप्रैल से मे भी रमजान स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले ही एमयू चाह रहे कि एग्ज़ाम लेकर आपका प्रॉब्लम क्लियर कर दे। तो ये मान कर चलिए कि इसी 15 दिन के अंदर में ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जेएमआई और एएमयू के अपडेट्स से बने रहने के लिए एज ऑलवेज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।